स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर और टॉपिक नंबर 3 पर। और आज हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फ्रेंड, जैसे कि पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं फ्लो चार्ट, और फ्लो चार्ट को हमने हिंदी में सारी वीडियो को समझा, और आज हम ऑब्स के बारे में हिंदी में इस पूरी वीडियो को समझेंगे। 2 मिनट की वीडियो फ्रेंड, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। टाइम वेस्ट न करते हुए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड अपन जानते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक बेसिक लैंग्वेज है, और इसके बारे में आज पढ़ेंगे आप। फ्रेंड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लैंग्वेज को ऑब्जेक्ट और क्लास में डिवाइडेड किया गया है। इसको अपन सिंपल भाषा में, हिंदी भाषा में अपन समझते हैं। जैसे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करने का वह तरीका है जिसमें पूरे सॉफ्टवेयर डिज़ाइन को ऑब्जेक्ट और क्लास में बांट दिया जाता है, ठीक है। और जबकि स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग जैसे कि सी प्रोग्रामिंग में पूरा सॉफ्टवेयर फंक्शन के रूप में बांटा हुआ होता है। एक छोटा प्रोग्राम बनाने के लिए स्ट्रक्चर प्रोग्राम का डिज़ाइन सही है। जैसे कि सी प्रोग्राम रहता है, उसमें एक स्ट्रक्चर प्रोग्राम बनाने के लिए भाई प्रोग्राम सही है, ठीक है, चल जाएगा छोटा प्रोग्राम बनाने के लिए। लेकिन उस सी में अपन उसको, लेकिन एक बहुत बड़े प्रोग्राम जिसमें हज़ारों लाइन के कोड होंगे, उसके लिए स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लेवल का डिज़ाइन सही नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे फंक्शन का एक प्रोग्राम में मौजूद होने की वजह से अगर कहीं कोई गलती होती है तो उस गलती को ढूंढना और गलती को ठीक करना बहुत मुश्किल का काम होता है। इसी कारण से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का डिज़ाइन बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बनाने के लिए उपयोग में किया जाता है, क्योंकि चाहे प्रोग्राम कितना भी बड़ा, पूरा प्रोग्राम क्लास और ऑब्जेक्ट में बटा होता है, और क्लास ऑब्जेक्ट में बटे होने की मदद से कोड को बार बार काम में लाया जा सकता है, तथा कोई गलती होने पर भी सिर्फ जिस क्लास में गलती हुई है उसी क्लास के कोड को ठीक करके समस्या का समाधान किया जा सकता है। फ्रेंड, जैसे कि हम जानते हैं कि इसको सिंपल भाषा में समझा जा, फ्रेंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इसलिए बनाई गई थी क्योंकि लाने जो सी थी ना प्रोग्रामिंग, वो स्ट्रक्चर के रूप में होती थी, उसके द्वारा एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि लाने उसमें कहीं पर भी एरर आ रहा था उसको ढूंढने में दिक्कत पड़ती है। लेकिन जो अपनी सी प्रोग्रामिंग रहती है ना, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, जिसमें अपन कौन सा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का उपयोग किया जाता है, उसमें फ्रेंड क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, ये पूरा प्रोग्राम को दो भागों में बांट कर रखती है, ऑब्जेक्ट और क्लास के रूप में। और ऐसा क्या रहता है कि जब हम बहुत सारे प्रोग्राम को, बहुत बड़ा प्रोग्राम और बहुत सारे सॉफ्टवेयर सी प्लस प्लस में डेवलप किए जाते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या रहता है, कहीं पर अपन से गलत हो गई, एरर वगैरह अपना आ जाता है ना, तो अपन उस एरर को बहुत कम समय में ढूंढ सकते हैं, क्योंकि लाने सारा प्रोग्राम अपना ऑब्जेक्ट और क्लास में रहता है। अगर और कहीं पर भी एरर आता है तो अपन उस चीज़ को देखते हैं कि भाई अब एरर कहाँ पर शो कर रहे हैं, तो अपन को डायरेक्ट दिख जाता है कि कौन सी क्लास के अंदर ये एरर आ रहा है, तो उस क्लास को अपन उस एरर को अपन जल्दी से ठीक कर सकते हैं। लेकिन स्ट्रक्चर में क्या होता है, ऐसा नहीं होता है, स्ट्रक्चर में ढूंढने में बहुत दिक्कत पड़ती है, क्योंकि सारे प्रोग्राम एक साथ ही रहता है। फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फीचरों के बारे में जैसे अपन बात करते हैं कि पहला रहता है ऑब्जेक्ट, दूसरा क्लास, डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेड और पॉलीमर फिज्म और डायनेमिक वाइंडिंग्स और मैसेज पैसेंजर। फ्रेंड बात करते हैं पहले ऑब्जेक्ट, वास्तव में ऑब्जेक्ट क्या होता है। वास्तविक दुनिया में एक जैसे स्टेट और बिहेवियर करने वाली किसी भी इकाई को एक ऑब्जेक्ट कहा जाता है। उदाहरण के लिए कुर्सी, पेन, टेबल, कोई भी चीज़ों आदि को अपन ऑब्जेक्ट भौतिक, फिजिकली, तार्किक, लॉजिक को कह सकते हैं। दूसरे बात है क्लास, क्लास के एक संग्रह को क्लास कहा जाता है, यह एक तार्किक लॉजिकल इकाई होती है, ठीक है। और इनहेरिटेड, जब एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के सभी गुणों को प्राप्त कर बनाया जाता है उसे इनहेरिटेड कहते हैं। यह कोड रिजोल्युबिलिटी प्रदान करता है, मतलब कि हम इनहेरिटेड के उपयोग से हम एक ही कोड को उपयोग और अपने प्रोग्राम में बार बार कर सकते हैं। इनहेरिटेड का उपयोग रन टाइमिंग पॉलीमर फीज में प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे कि एक आदमी के अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग विशेषता हो सकती है, जैसे ही किसी समय आदमी एक पिता है, किसी समय एक कर्मचारी है, और किसी समय वह पुत्र भी है, मतलब कि अलग अलग परिस्थितियों में एक ही व्यक्ति अलग अलग गुणों का हो सकता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इसी तरह के गुणों को पॉलीमॉर्फिज्म बहुलकता कहते हैं। एब्स्ट्रैक्शन में केवल वही इंफॉर्मेशन यूज़र को दिखाई जाती है जो उनके लिए ज़रूरी होती है। उदाहरण के लिए जब हमें किसी मोबाइल फ़ोन का उपयोग करना होता है, तब हम मोबाइल फ़ोन का आंतरिक संरचना, इंटर स्ट्रक्चर
कि मोबाइल फोन किस प्रकार से बना है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं होता है। इसी गुण को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। C++ में हम एब्स्ट्रैक्शन को प्राप्त करने के लिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस का उपयोग करते हैं। इनकैप्सुलेशन, क्लास मुख्यतः दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, पहला डेटा और दूसरा मेथड। मेथड क्या होता है इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। डेटा और मेथड में एक साथ क्लास के अंदर बांध के रखने के गुण को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम में इनकैप्सुलेशन कहते हैं। यह डेटा और मेथड को बाहर के हस्तक्षेप और दुरुपयोग से सुरक्षित रखता है। फ्रेंड, आज हमने ओप्स के बारे में पढ़ा था। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। फ्रेंड, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके जरूर